हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी डिशेस। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया देसी सी डिश जिसका नाम है आलू के पराठे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आलू के पराठे हम कैसे बना सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 200 ग्राम के लगभग आटा ले लिया जिसको हम गूंदेंगे। इससे पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, इसके बाद हम इसको पानी से अच्छे से गूंदेंगे। तो चलिए, पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी में इस तरीके से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा। फ्रेंड्स, आपको याद रहे कि जो आटा है हमको ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, ना ही बिल्कुल लूज़। हमें इसे थोड़ा सा मीडियम साइज़, मतलब थोड़ा सा मीडियम रखना है, तो कि जो हमारा पराठा है वो फटे ना और अच्छे से हमारा आटा बेलने में आ सके। तो हम इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसको इसी तरीके से गूँथेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो आटा है वो अब अच्छे से गूंद गया है। आप इसको देख सकते हैं ये किस तरीके से काफ़ी सॉफ्ट तरीके से और काफ़ी अच्छे से मैंने इसको गूंद लिया है। आपको भी इसी तरीके से प्रेस कर करके अपनी हथेली से आपको ये गूंदना है। तो देखिए, एकदम बढ़िया तरीके से गूंद चुका है ये। अब हमारा आटा गूंद के तैयार हो चुका है। अब हम इसे रख देते हैं जब तक हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो अब हम इसे ढक करके रख देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आलू की चटनी बनाने के लिए, पराठों के लिए, यहाँ पे मैंने 6 से 7 आलू लिए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं आलू चटनी बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज छोटा कट करके रखा है और यहाँ पर मैंने हरा धनिया पत्ता कट करके रखा है। ये मैंने 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ली हुई हैं, 2 हरी मिर्च कट करके रखी हैं। यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है और यहाँ मैंने 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर लिया है और यहाँ मैंने 1 चम्मच गर्म मसाला लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच छोटा धनिया पाउडर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही रखें और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हींग भी लिया है। चलिए अब हम अपने आलूओं को यहाँ पे पहले अच्छे से मैश कर लेते हैं। हमें हाथों से ही मैश करना है और अच्छे से, अगर आलू मोटा रह गया तो हमारे पराठे फट सकते हैं, इसीलिए हमको अच्छे से मैश करना है। फ्रेंड्स, अब हमारे आलू मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अब हम इसमें अपना आमचूर पाउडर डालेंगे, अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, इसके बाद हम अपनी प्याज डालेंगे जो हमने कट करके रखी हुई थी, इसके बाद हम अपना लहसुन का कद्दूकस किया हुआ पेस्ट डालेंगे, इसके बाद हम अपनी हरी मिर्च डालेंगे, 2 हरी मिर्च हमने कट करके रखी थी बड़ी बड़ी, इसके बाद हम इसमें अपना जीरा डालेंगे, इसके बाद हम अपनी हींग डालेंगे, थोड़ी सी ली है मैंने, इसके बाद हम इसमें अपना हरा धनिया पत्ता डालेंगे, चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें और अब हम इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी चटनी एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम अपना आलू पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना आटा देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके, हमारा आटा काफ़ी नरम हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे एक पैन लिया है जो नॉन स्टिक है, आप चाहें तो कोई सा भी पैन ले सकते हैं अपना पराठा बनाने के लिए। चलिए अब हम इसमें से आटा लेते हैं अपना पेड़ा बनाने के लिए। मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अब हमें इसे अपनी हथेलियों से घुमाना है, देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा लगाएंगे, अब देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें साइड से प्रेस करना है, हमें इसको साइड से ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बस थोड़ा सा मीडियम प्रेस करना है। और ये जो अभी बीच में जो हमारा जो थोड़ा उभार आ रहा है इसको भी हमें बाद में अच्छे से प्रेस कर देना है, देखिए इस तरीके से जैसे मैंने किया है आपको भी इसी तरीके से प्रेस करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से अपनी ये जो पेड़ा है उसको लोई के रूप में ले लिया है। अब हम इसमें अपने आलू डालेंगे,
देखिए मैंने इस तरीके से आलू लिया है, आप भी इसी तरीके से आलू लिए। अब हमें आलूओं को अंदर की साइड प्रेस करना है और आटे को ऊपर की साइड, जैसे कि मैं कर रही हूँ दोनों हाथों से, ताकि हमारा ये जो आटा है वो आलूओं को अच्छे से कवर कर ले ऊपर तक। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है। देखिए देखिए आप देख सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा आटा निकल करके आया है, इसी तरीके से आपका भी निकलना चाहिए। और ये जो एक्स्ट्रा आटा है अब हम इसको तोड़ करके रख देंगे और फिर से इसको प्रेस कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी एक नॉर्मल रोटी की लोई की तरह बन चुका है। अभी हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इस पर थोड़ा सा आटा लगा लेंगे ताकि हमारा जो लोई है वो चिपके ना, हमें ज़्यादा आटा नहीं रखना है, सिर्फ थोड़ा सा, बाकी एक्स्ट्रा आटा है हम उसको हटा देंगे इस तरीके से। अब हम अपना पराठा बेलेंगे। फ्रेंड्स आपको याद रहे हमको ये जो हमारा पराठा है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बेलना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं। अगर आप ज़्यादा स्पीड लेंगे तो आपका पराठा फट सकता है, इसीलिए आपको काफ़ी स्लो स्लो अपना पराठा बेलना है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बेल रही हूँ, और आपको याद रहे कि आपको आपका पराठा साइड से बेलना है, स्लो स्लो इसी तरीके से जैसे मैंने बेला है। फ्रेंड्स हमारा ये जो पराठा है वो बिल्कुल एकदम रेडी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो अंदर की चटनी हमने भरी थी वो एकदम क्लियर दिख रही है। अब हमने जो पैन गरम करने के लिए रखा था उस पर हम अपने पराठे को डालेंगे, देखिए, और वेट करेंगे। अब हम अपने पराठे को चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक साइड से हल्का हल्का पकने लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस पर ऑयल लगाऊंगी और दूसरी साइड पकने दूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच ऑयल यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको याद रहे कि हमें मीडियम फ्लेम पर ही अपना पराठा पकाना है। अब हम इसको दूसरी साइड से चेक करेंगे, देख सकते हैं आप दूसरी साइड से भी ये अच्छे से पकने लगा है। अब हम इस पर भी ऑयल लगाएंगे इसी तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम इसको फिर से पलटेंगे। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है इसका, और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी सा, सॉरी डिलीशियस सा लग रहा है ये। इसी तरीके से हमें अपने पराठे को पकाना है। फ्रेंड्स हमारा ये जो पराठा है वो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पक चुका है। बस आपको ये याद रहे कि आपको अपना जो पराठा है वो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो देखिए इसी तरीके से आप अपने घर पे सारे पराठे बना सकते हैं जो रेसिपी मैंने आपको बताई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।